फाइनली हम लोग जहाँ पर पिकनिक करेंगे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए सबको हम लोग आए हैं, आज पिकनिक मनाएंगे, मजे से आप लोग वीडियो में बने रहिए। अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम में लगे हैं। क्या रे भीम, क्या कर रहा है तुम? हम लोग काम में लगे हुए हैं, लकड़ी उकड़ी जुगाड़ कर रहे हैं, आज हम लोग पिकनिक करने आए हैं तो चूल्हा बनाना होगा, तब तो खाना बनेगा हम लोग का। आज चलिए चूल्हा बना लिए हैं, चूल्हा रेडी हो गया है। देखिए दोस्तों, भीमसेन आया है यहाँ ढोलकी लेके। सबसे पहले हम लोग कुछ नाश्ता बनाएंगे, नाश्ता के लिए हम बैंगनी और पकौड़ी छानेंगे। आज हम लोग का पिकनिक में चिकन बनेगा, ये देखिए दोस्तों बहुत सारा चिकन लाए हैं, साथ में मछली भी लाए हैं, ये देखिए मछली, मछली को आज फ्राई करेंगे और खाएंगे दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और ताज़ा मछली भी है दोस्तों, ये देखिए ताज़ा मछली है, ये छोटे मछली है, ये थोड़ा बड़ा मछली है, ये चिकन है। अच्छे से साफ कर लेंगे, इस छोटा वाला बहुत अच्छा लगता है खाने। खाएगा तुम? हम नहीं खाएंगे। तो क्या खाता है तुम? चिकन। चिकन, चलो ठीक है, चिकन भी आया है। हम बैंगनी और पकौड़ी छान लेंगे नाश्ते के लिए। कौन कौन बैंगनी खाएगा रे? सब खाएगा। ए भी तुम खाएगा बैंगनी? एकदम खाएंगे। देखिए बैंगनी छान लिए है। ये मछली फ्राई हो रहा है, बैंगनी बन रहा है, पकौड़ी बनेगा, चावल बनेगा, चिकन बनेगा, मछली बनेगा, बहुत कुछ बनेगा छोटा मछली बड़ा मछली। बहुत अच्छा बना है बैंगनी, बहुत बढ़िया है। मछली, छोटा वाला मछली को साफ किया जा रहा है। बेसन तैयार कर रहे हैं आज के साथ पकौड़ी बनाएंगे, थोड़ा सा भीम रखो यहाँ पर, बस बस बस। मछली फ्राई कर रहे हैं, हो गया अब थोड़ा देरी फ्राई, इधर बैंगनी भी खा रहा है। हो गया है।
छोटे वाले मछली को अच्छे से धो लिए हैं, साफ कर लिए हैं। गाइस ये हमारे नाना जी हैं, ये मछली छान रहे हैं अभी। देखो सौरभ हुआ कि नहीं, सौरभ देखो जितना बढ़िया बढ़िया मुंडू है रे। छोटा मछली बड़ा मछली को हम बढ़िया से साफ कर लिए हैं। अब हम बैंगनी बन रहा है, बैंगनी खाएंगे दोस्तों। दूबो ले लेते हैं। बैंगनी अच्छा बना है। नाश्ता में हम लोग का बैंगनी चल रहा है। अब चिकन बनेगा, मछली बनेगा, चावल बनेगा। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। और पकौड़ी भी बन रहा है, पकौड़ी खा देते हैं। पकौड़ी भी अच्छा लग रहा है, देखते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। पकौड़ी पे कब्जा मेरा है, देखिए। देखो दो हमको भी। आप देखिए हमको कितना लगा पकौड़ी। यहाँ भीमसेन बैठा हुआ है। पकौड़ी और छाना रहा है, जितना खाना है खाइए। अरे भीम मिर्चा देख करके खाना, पकौड़ी में मिर्चा डाला हुआ है। कैमरामैन को भी खिलाओ भाई। ये लो कैमरामैन, लो। बड़ा ही मजेदार है, खा खा के ऐसे शूटिंग करने में बड़ा मजा आता है। कैमरामैन पीछे से खा रहा है, अब बोल रहे हैं कि हम नहीं खाए। अब चिकन को मेडिटेशन करेंगे। चिकन का कलेजी चिकन में नहीं मिलाएंगे। देखिए इस तरह एक झूरी ले लिए, उसमें इसको बांध दिए हैं। देखिए इस तरह झुलसा देंगे, इस तरह आग में इसको पकाएंगे। देखिए छोटा मछली को फ्राई किया जा रहा है। दही डाल दिए हैं। कैमरामैन चलो तुमको दिखाते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज दिखाएंगे आप। बाप रे बाप, कितना झाड़ी में घुस रहा है लोग। ये देखिए दोस्तों, ये भी है एक गुच्छा अलकुसी, बहुत खतरनाक होता है। एक बार अगर लग जाए ना आप खुजलाते परेशान हो जाइएगा। कोई दवा नहीं है इसका, इससे बच के रहिएगा हमेशा। लंबा वाला हाँ दोस्तों, ये ताजा मछली है, इसको टेस्ट करते हैं। पहले मुंडी खाएंगे, बढ़िया बना है। पिकनिक में मजा आ गया आज। मेरी लाल मिर्च पाउडर है, डाल देते हैं। जंगल में लकड़ी का व्यवस्था किए हैं, इसको तोड़ लेते हैं लकड़ी सबको। मछली बन के रेडी हो गया है।
छोटा वाला मछली फ्राई किया हुआ था, सब खा के खत्म कर दिया। ये देखिए तीन को बचा है। ये देखिए इधर चिकन बनने का तैयारी हो रहे हैं। इधर हम चिकन के लिए मसाला तैयार करते हैं, उधर देखिए लकड़ी जंगल से काट के लाए हैं। चलिए दोस्तों, बहुत दूर गए थे जंगल में और लकड़ी लेके आए हैं। हम लोग का लकड़ी कम पड़ गया था। पानी लाए हैं दोस्तों, बहुत दिक्कत से पानी लाए हैं। गिलन खदान के अंदर हम लोग घुस गए थे, बहुत डर लग रहा था, आवाज हम लोग का गूंज रहा था वहाँ पर। सलाद को काट रहे हैं। चिकन करीब करीब बनकर तैयार हो गया है, देखने में बहुत ही गजब का लग रहा है। अब इसको खा करके टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। अभिषेक एक भी खा के देखो तो, कैमरा मैन को देते हैं उठा के। बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। लो बाबू खा के देखते हैं कैसा बना है। बड़ा ही मजेदार बना है लेकिन चिकन एक नंबर बना है दोस्तों, बहुत बढ़िया था भीम। गरम है दोस्तों, देसी मछली, चिकन, देसी मछली और चिकन दोनों ही बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों। पिकनिक में आइएगा, इस तरह करके बना के एक बार जरूर खा के देखिएगा, मजा आ जाएगा। इधर देखिए सब कोई मस्ती से खा रहे हैं। दोस्तों हम लोग का खाना वाना हो गया है, अब हम लोग चलते हैं घूमने के लिए नदी और। चलिए आप लोग को दिखाते हैं नदी। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये को खदान है। ये खदान से पत्थर को ये लोग उठाते हैं और इसको फोड़ करके गिट्टी बनाते हैं, जो घर बनाने के काम में आता है। नदी की ओर जा रहे हैं, देख सकते हैं आगे तरफ पूरा घना जंगल है, उधर कोई नहीं रहता है। तो हम लोग आए हैं घूमने के लिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग मेरे साथ चलिए। दोस्तों नदी तक हम लोग पहुँच चुके हैं, नदी का नज़ारा देखिए। आगे से रास्ता है, हम लोग उतर रहे हैं वहाँ से। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नदी, यहाँ पिकनिक के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है दोस्तों। आप लोग को घुमा के दिखाते हैं आपको, तो आइए मेरे साथ। ये देखिए
देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये खदान है, पहले यहाँ पर ब्लास्टिंग किया जाता था और ब्लास्टिंग करके पत्थर को गाड़ी में लोड करके उठाया जाता था यहाँ से, इसलिए यहाँ गड्ढा पड़ गया है इतना। इधर भी वो गड्ढा है बहुत बड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लिए सारा चीज, आप लोग को देख दिखाएं। और एक खदान है, बहुत बड़ा भयानक खदान है, उसको हम दिखाएंगे। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप। इतना दूर पैदल चलते चलते कमर में दर्द आ गया दोस्तों। बहुत ही पका पका बैर है दोस्तों, इसको तोड़ के पैकेट में हम डाल रहे हैं। पूरा बचपन का याद आ गया दोस्तों, बैर देख करके बचपन का याद आ गया है। तो आप लोग भी अगर खाए होंगे कि नहीं खाए हैं कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। बैर तोड़ लिए बहुत सारा, अब बाहर निकलेंगे। आप लोग को दिखाते हैं बड़ा सा खदान। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए आप लोग। दोस्तों हम लोग फाइनली खदान पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए आगे खदान है, चारों तरफ का नज़ारा देखिए आप, कितना ऊंचा ऊंचा है और बीच में इसको गड्ढा किया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आपको सामने से दिखाते हैं। ये दोस्तों आपको सामने से दिखाते हैं, देखिए खदान में कितना पानी है। हमारे को ये देखिए पानी, ये अंदर का पानी है, ये जो खोद के इसको गड्ढा किया गया था और इसका पत्थर को हटाया गया है तो अंदर में पानी निकला, वही पानी है, एकदम फ्रेश पानी है दोस्तों, एकदम फिल्टर पानी जैसा है पानी दोस्तों। यहाँ इतना गड्ढा है कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ आवाज तो गूंज रहा है। आपको एक नमूना दिखाते हैं, देखिए हम पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर का आवाज देखिए किस तरह करेगा। यहाँ का मतलब यहाँ बहुत ही गढ़ा है दोस्तों, बहुत ही गड्ढा है। जब 4-5 साल पहले ये खदान का खुदाई हो रहा था, मगरमच्छ यहाँ निकला था, बहुत सारा मछली भी था। तो दोस्तों यहाँ आसपास का आदमी आकर के यहाँ इकट्ठा हो गया था देखने के लिए। तो वही जगह आप लोग को आज हम दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए। चलिए दोस्तों खदान आप लोग को दिखा दिए, हम लोग घूम लिए, अब हम लोग चलेंगे घर की ओर रवाना करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।